हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KTM एडवेंचर 250 बाइक के बारे में। अभी कुछ दिन पहले इंडिया में KTM एडवेंचर 390 लॉन्च हो गई है। उस बाइक को आप देख सकते हैं अभी यूट्यूब में, हमारे चैनल में भी इसका वीडियो है और बाकी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब में आप लोगों को। और उसके बाद अभी बहुत ही जल्दी एडवेंचर 250 भी लॉन्च होने वाली है और ये अभी कॉन्फर्म्ड एक न्यूज़ है। मतलब जो KTM वाले हैं उन्होंने ये कॉन्फर्म ऑफिशियली बोल दिया है कि ये बाइक बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। लगभग 2020 लास्ट में ही ये बाइक हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस बाइक के बारे में, क्या होगा इसका लुक्स और क्या होगा इसका स्पेसिफिकेशन। तो अभी तक आप लोगों ने एडवेंचर 390 को तो देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आप उसका वीडियो देख लीजिए पहले, वो अभी आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा एडवेंचर 390 का वीडियो। तो उसके बाद आते हैं इस वीडियो में, मतलब इस बाइक के बारे में। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर लुक्स को देखेंगे, मतलब कुछ हद तक तो साइड व्यू या फिर पीछे से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा आप लोगों को। मतलब एडवेंचर 390 भी जैसा दिखता है ये बाइक भी लगभग उसी टाइप का ही दिखेगा। लेकिन अगर फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आप लोगों को मिलेगा। मतलब यहाँ पे वो एडवेंचर 390 का वो फुल LED हेडलाइट नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक हैलोजन हेडलाइट मिलेगा। जो हेडलाइट वही सेम हैलोजन हेडलाइट है जो मिलता है अभी BS6 ड्यूक 200 और ड्यूक 250 में, वही हेडलाइट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये फुल फेयर्ड एक बाइक होगा, मतलब सामने का जो पार्ट होगा जो हैंडल के साथ वो नहीं घूमेगा, जो हेडलाइट होगा वो फिक्स्ड होगा। और इसके बाद अगर देखेंगे, इसके ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो विंड शील्ड होगा ये विंड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा देगा। मतलब एडवेंचर टूरर के हिसाब से ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन होने वाली है। लेकिन एडवेंचर 390 में जैसा होता है, मतलब जो फ्रंट वाइजर के साथ जो विंड शील्ड है ये एडजस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे शायद एडजस्टेबिलिटी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये एक फिक्स्ड वाइजर हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हैंडल बार को देखेंगे तो ये एक सिंगल यूनिट हैंडल बार है। यहाँ पे जो राइडिंग पोस्चर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चर मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर देखेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी ड्यूक 200 या फिर RC सीरीज़ के बाइक में मिलता है वही सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मिलेगा, जो देखने में थोड़ा सा तो पुराना हो गया है अभी, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलता है तो इसके बारे में मतलब यहाँ पे कोई भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अगर टैंक को देखेंगे तो टैंक होगा एक 13.5 लीटर्स का एक टैंक होगा इसके अंदर। और बाहर से ये देखने में नॉर्मल वही ड्यूक, मतलब जो एडवेंचर 390 है उसी तरीके का ये लगता है। सीट को अगर देखेंगे तो स्प्लिट यूनिट होगा यहाँ पे और राइडर पिलियन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा ये सीट। पीछे का ग्रैब रिल नॉर्मल टाइप का होगा और पीछे जो पोर्शन दिया हुआ होगा वहाँ पे आप टॉप बॉक्स को लगा सकते हैं, ऐसा सिस्टम दिया हुआ होगा। और पीछे का अगर ग्रैब रिल को देखेंगे तो जो ग्रैब रिल है ये नॉर्मल टाइप का वही ग्रैब रिल मिलता है जो मिलता है एडवेंचर 390 में। और इस ग्रैब रिल के साथ पीछे आप टॉप बॉक्स भी लगा सकते हैं, उसका भी यहाँ पे सिस्टम दिया जाएगा पहले से ही। और साइड में भी आप पैनियर लगा सकते हैं, वो शायद बाद में एक्सेसरीज के तौर पे बाद में लॉन्च भी होगा इंडिया में। और अगर टायर्स को देखेंगे तो सामने की तरफ जो टायर मिलेगा वो होगा 19 इंच के साथ और पीछे का टायर होगा 18 इंच के साथ, या तो 17 इंच के साथ भी हो सकता है पीछे का टायर। और जो साइज़ होने वाला है वो होगा सामने की तरफ 100 सेक्शन, पीछे होगा 130 सेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो टायर मिलेंगे वो मिलेंगे 50-50 टायर्स, मतलब रोड में भी चला सकते हैं और कोई माडी या तो ख़राब रास्ते में भी चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम या इशू यहाँ पे नहीं दिखेगा। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो सामने की तरफ वही USD फोक्स मिलेगा जो मिलता है ड्यूक एडवेंचर 390 में, ड्यूक में नहीं एडवेंचर 390 में, जो थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है। और पीछे की तरफ मिलता है वही मोनोसॉक सस्पेंशन, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल है। और इसका जो सस्पेंशन सेटअप होने वाला है ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में होगा क्योंकि ये एक एडवेंचर बाइक है और लॉन्ग राइड में भी उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी तरीके से बनाया होगा ये सस्पेंशन सिस्टम। एग्जॉस्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे साइड माउंटेड एग्जॉस्ट होगा जो लगभग एडवेंचर 390 में मिलता है उसी हद तक लगेगा ये। लेकिन यहाँ पे साउंड भी थोड़ा सा अलग होगा, लुक्स में थोड़ा सा ये थोड़ा सा पतला टाइप का होगा और एडवेंचर 390 में थोड़ा सा मोटा टाइप का मिलता है। इंडिकेटर्स जो मिलेंगे चारों तरफ, मतलब चारों इंडिकेटर्स सामने का दो पीछे का दो, वो सब होगा LED। और पीछे का जो बैक लाइट होगा टेल लाइट होगा वो भी फुल LED यूनिट ही होगा। और यहाँ पे जो इंजन मिलेगा वो वही सेम इंजन है जो मिलता है ड्यू
ड्यूक 250 में यहाँ पे कोई भी चेंजेस भी नहीं होगा और यहाँ पे पावर फिगर भी वही सेम मिलेगा। और ये जो इंजन है ये होने वाला है एक 248.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन भी मिलता है, स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन मिल जाएगा इस बाइक में। और इसके साथ साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिलेगा। जो पावर फिगर यहाँ से मिलेगा वो होगा 30 BHP का पावर, और उसके साथ साथ जो टॉर्क मिलेगा वो होगा 24 Nm टॉर्क। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें या तो लॉन्च डेट की अगर बात करें तो ये बाइक अभी लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम है। ये मिड 2020 में इंडिया में लॉन्च हो सकती है या तो फिर लास्ट में भी लॉन्च हो सकती है। और इसका जो प्राइस होने वाली है, लॉन्चिंग प्राइस, वो होने वाली है लगभग 2 लाख के थोड़ा सा ऊपर होगा इसका प्राइस, एक शोरूम प्राइस। और बाकी सारे चीज़ों को अगर देखेंगे, जैसे कि इसका ब्रेक्स जो मिलता है वो सामने भी डिस्क ब्रेक मिलेगा, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे डुअल चैनल ABS भी होगा जो स्विचेबल होगा, यानी कि अगर एडवेंचर टूर आप करते हैं तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बाइक के बारे में अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है। और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए इस बाइक के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।